So hi guys, welcome back to our YouTube channel and welcome to my new video। So आज मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहेगा, सेकेंड हाफ के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कौन से ट्रेड्स ले और वीकली क्लोजिंग कहाँ पर मिलने वाली है, ओवरऑल न्यूज़ क्या कह रही है, इस सब के ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का मार्केट अगर देखें तो स्टार्टिंग में ही हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी बैंक अभी फ़िलहाल 80 से 100 प्लस पॉइंट्स नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और अभी अगर देखें तो 43,666 के पास ट्रेडिंग हो रही है। तो आज की अगर बात करें तो आज की ओपनिंग हुई थी 43,800 और 900 के बीच में और वहां पर हमें 5 से 10 मिनट के लिए हमें एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला और फिर जाकर निफ्टी बैंक ने 43,850 से नीचे जाकर 43,530 तक का लो गया, यानी कि ओपनिंग से 300 से 400 पॉइंट्स ऑलरेडी नीचे गिर चुका है निफ्टी बैंक। और अभी फिलहाल नीचे के लेवल से एक रिकवरी आती हुई दिख तो रही है लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही। तो पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 44,151 का ऑल टाइम हाई कर निफ्टी बैंक हमें नीचे आता हुआ ही दिखाई दिया और मैंने वहां पर आपको कहा भी था कि यहाँ से एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 43,000 एंड निफ्टी के लिए 18,000 एंड 17,800, ये लेवल्स मैंने आपको बताए थे। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी पहुंच चुका है 43,500 के पास और अभी अगर आज की बात करें तो देखिए यहाँ से आगे के पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो चार्ट के ऊपर से हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 43,700 ये लेवल निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल को पार कर लेता है अभी और इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है 15 से 30 मिनट के लिए तो आज की क्लोजिंग हम लोग 43,900 और 800 के पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक बाउंस जो है वो हम लोग 44,000 की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर निफ्टी बैंक 43,700 के ऊपर जाता है तो। लेकिन अगर निफ्टी बैंक 43,550 से नीचे फिर से आ जाता है, ध्यान दीजिए ये 2 लेवल्स के ऊपर 43,550 से अगर नीचे चला जाता है तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा 43,350 का लेवल। जो ये लेवल मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये डाउनसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी का। यहाँ तक गिरावट होने के चांसेस बने हुए हैं निफ्टी बैंक के और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,050 का लेवल और ये लेवल अगर निफ्टी बैंक तोड़ देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी बैंक निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये दोनों लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और करेक्शन जो है वो यहाँ तक होने के चांसेस मुझे भी फिलहाल लग रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है 43,700 अगर होल्ड हो जाता है तो ये लेवल्स नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर डाउनसाइड के लिए। फिर यहाँ से निफ्टी बैंक हमें अपसाइड के लिए रिकवरी दिखाएगा। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें निफ्टी बैंक का तो अभी देखिए मेरे सामने आने वाले एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा है और कॉल साइड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल ओपन इंटरेस्ट 44,000 के ऊपर है और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी इसी लेवल के ऊपर है 44,000 के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि अगर 43,700 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 44,000 तक हम लोग निफ्टी बैंक को आज बढ़ते हुए देख सकते हैं। और अगर पुट साइड में देखें तो 1,33,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 500 के ऊपर है और यहाँ पर ही निफ्टी बैंक के लिए एक साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी यहीं पर है। तो जो लेवल्स मैंने आपको चार्ट के ऊपर बताए थे, क्या वो लेवल्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं ऑप्शन डेटा के साथ? तो हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एनालिसिस ही है वो पूरा FII डेटा बेस्ड होता है, प्राइस एक्शन बेस्ड होता है, पूरा चार्ट एनालिसिस करके वो लेवल्स निकाले जाते हैं और उसको फिर से ऑप्शन चेन डेटा से हम लोग टैली करके वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर वो लेवल्स जो है वो टैली हो रहे हैं 43,500 एंड 43,700। अगर निफ्टी बैंक 43,500 से नीचे जाता है तो यहाँ तक गिरने से निफ्टी बैंक को कोई भी नहीं बचा सकता। और अगर हम लोग ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी देखें तो यहाँ से एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है 1,000 से 1,500 पॉइंट्स का फ्रॉम दी हाइज। तो अभी अगर 43,000 तक भी गिरता है तो एक साइकोलॉजिकल बेस है 43,000 के पास, जो ऐसे इजीली तोड़ना निफ्टी बैंक नहीं तोड़ेगा और वहां से एक रिकवरी भी हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। तो वैसे तो ओवरऑल मार्केट जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन एक अपसाइड रैली के लिए एक अच्छा माना जाता है, ताकि हमें और अच्छे लेवल्स अपसाइड के लिए देखने को मिल सके। तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक की। अब ही बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी कहाँ पर चल रहा है अभी? निफ्टी अभी चल रहा है 1880 के पास। निफ्टी का चार्ट भी देखिए, निफ्टी का भी जो चार्ट है वो यहाँ से हमें थोड़ा डाउनसाइड के लिए ही संकेत दे रहा है। ओपनिंग से ही निफ्टी जो है वो हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर निफ्टी 1850 का लेवल होल्ड रखता है, क्योंकि 18,050 के पास निफ्टी के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो सपोर्ट निफ्टी ऐसे आसानी से नहीं तोड़ेगा। अगर इस लेवल से नीचे आ जाता है तो ही हमें एक भारी गिरावट निफ्टी के अंदर अभी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जो बड़ा फॉल था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। निफ्टी ने ये जो बड़ा फॉल था वो हमें मॉर्निंग में ही दिखा दिया। अभी फिलहाल निफ्टी जो है वो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा ऊपर जाने से पहले या फिर नीचे आने से पहले। ऊपर अगर 18,140 का लेवल क्लियर कर देता है तो ही अपसाइड है, अदरवाइज अपसाइड के लिए अभी कोई फिलहाल निफ्टी के अंदर नहीं जाएगा। 18,140 से ऊपर अगर जाता है तो ही 18,200 और 18,250 हम लोग निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, लेकिन अगर 18,140 से नीचे रहता है तो यहाँ पर हम लोग डाउनफॉल निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। अभी यहाँ से सेकेंड हाफ के लिए या फिर डाउनफॉल के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? जब ये लेवल टूटेगा। अभी कोई डाउनफॉल के लिए नहीं जाएगा। 18,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक डाउनसाइड के लिए 17,980 का फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 17,930 का लेवल रहेगा। तो यहाँ तक निफ्टी फिर गिरने के चांसेस बने हुए हैं। तो डाउनसाइड के लिए ये सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। अपसाइड के लिए जैसे कहा 18,140 रेजिस्टेंस से अगर इसके ऊपर निफ्टी चला जाता है तो 18,200 और 250 तक के लेवल्स हम लोग निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं निफ्टी 50 का। अभी मेरे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है। कॉल साइड में अगर देखें तो सबसे ज्यादा अभी जो ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है वो दो लेवल्स के ऊपर है, एक तो 200 के ऊपर और एक 300 के ऊपर। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है तो वो हुई है 18,200 के लेवल के ऊपर। अभी फिलहाल 18,050 और 100 की बात करें तो कॉल साइड में देखिए 18,100 के पास 1,44,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 1,54,000 का पुट साइड में है। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हमें 65,000 की 18,100 के ऊपर दिखाई दे रही है। उससे नीचे जाए तो 18,000 के लेवल के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। यानी कि ये पूरा सपोर्ट जोन ही निफ्टी के लिए है। अगर इस सपोर्ट जोन को निफ्टी तोड़ता है तो निफ्टी को 17,800 तक गिरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर डाउन साइड के लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा वो 17,800 का लेवल है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर यहाँ से फॉल होता है तो फर्स्ट टारगेट मैंने आपको 18 16100 150 का बताया था जो कि पहले ही अचीव हो गया था। सेकेंड टारगेट 18000 का लेवल बताया था, वो भी अभी अचीव हो चुका है। और जो थर्ड लेवल मैंने आपको बताया था गिरावट का, वो 17800 का लेवल था, वो भी अभी अगर 18000 लेवल का टूटता है, निफ्टी तोड़ देता है, तो यहाँ से 17800 तक निफ्टी हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड के लिए 18200 एंड 300 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तो ही लॉन्ग के लिए हम लोग जा सकते हैं। जब तक ये जोन पार नहीं होता है, निफ्टी के अंदर बुलिश मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ चुका है। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक ट्रेड मैंने मॉर्निंग में अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ था, आप पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये फ्री चैनल है और यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये फ्री चैनल है। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग को 9:20 को मैंने 43800 P280 के अबाव बाय करने के लिए बताया था, जिसने हाई किया है कहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 360 के ऊपर भी गया है। 280 से हमें 100 पॉइंट्स यहाँ पर मिल चुका है। इसके अलावा भी हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर 18250 पी लिया था और उसके बाद में 43,700 पी लिया था। तो ऐसे ट्रेड्स अगर आप डेली चाहते हो और डेली एक ऑप्शंस के अंदर अच्छा खासा इनकम ऑन करना चाहते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मंथली फीस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। और ये फीस तो एक ट्रेड के अंदर ही रिकवर हो जाती है और पूरा महीना आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये स्पेशल ऑफर है, अगर आप चेक करोगे तो मेरी जो मंथली फीस है वो 4000 रुपीज है, लेकिन ये फिलहाल स्पेशल ऑफर चल रही है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है और नीचे UPI ID है, आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में इस नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। और ये जो फ्री चैनल है इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।